हेलो एवरीवन तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैकबेथ के फर्स्ट सीन को जो कि बहुत ही छोटा सीन है बट दिस इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ मैकबेथ बिकॉज़ व्हाट इज थीम ऑफ द प्ले इज हाइलाइटेड ओवर हियर एंड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द विचिस इन द फॉर्म ऑफ सुपरनैचुरल पावर शेक्सपियर हैज प्लेड अ मास्टर कार्ड जो ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने किस तरीके से इस के एटमोसफियर को यहां पर दे करके इस बात को क्लियर किया है ऑडियंस के मूड पूरी तरीके से सस्पेंस में में ला दिए हैं कि की एंट्री शुरुआत यानी क्या दिखाना चाहते हैं और जो विचेस का मोटो है जो लास्ट में उनका स्टेटमेंट है फेयर इज फाउल फाउल इज फेयर लेट एस हॉवर थ्रू फिल्थी एयर दिस इज मेन मोटो ऑफ डार्कनेस are the spirit of darkness in which they just want to dominate the human thoughts and human activity they want to promote criminality sin and injustice among human society so that their nature their bad nature their devilish nature may be prosperous and may be forwarded later on so come to the place scene one a desert place like thunder and lightning thunder or lightning hoti hai इंटर थ्री विचेस थंडर एंड लाइटनिंग के बीच में एक हीथ का प्लेस है प्लान अब हम तीनों वापस कब मिलेंगे इट विल बी थंडर लाइटनिंग और इन रेन ये क्या होगा बिजली कड़क रही होगी या आवाज हो रही होगी या रेन क्या चीजें होंगी तो का का जो आ, आंसर है है वो देखते हैं कहती है, जबकि ये हर्ली बर्ली, हर्ली बर्ली का मतलब और जब ये मतलब और और जब होंगीशन सेटल्ड हो जाएंगी वेन बैटल इज लॉस्ट एंड वो, जब बैटल हर जाएगा और जीत जाया जाएगा इट मीन कोई बैटल है जो कहीं पास में इसी स्टोरी में हो रहा है उस बैटल के खत्म होने का इंतजार कर रही हैं ये बीचेस और ये उस बैटल के रिजल्ट को भी जानती हैं यहां पर सुपर नेचुरल पावर आपकी फ्यूचर्स इवेंट को जानते हैं इस बात को साबित करने का प्रयास किया गया है तो थर्ड विच कहती है दैट विल बी एयर द सेट ऑप्शन ये जो चीज है यानी बैटल की जो सेटलिंग है जो बैटल की लूजिंग एंड विनिंग है वो तो आज के सनसेट से पहले हो जाएगी फर्स्ट विच कहती है वेयर इज द वेयर द प्लेस कौन सी जगह होगी जहां पर हम मिलेंगे तो सेकेंड विच कहती है अपॉन द हीथ हीथ मतलब जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये एक डेसोलेट एरिया माना जाता है ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां पे ह्यूमन सोसाइटी नहीं होगी लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं इन्हें किसी पर्सन से मिलना है थर्ड विच कहती है दे आर टू मीट विद मैकबेथ थर्ड विच प्लानिंग भी बता देती है आगे डिस्क्लोज कर देती है ये कह लीजिए ऑडियंस को पहले से बिफोर हैंड ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि समवन इज मैकबेथ एंड दीज थ्री विचेस आर प्रिपेयरिंग कहानियों में आगे के सीन्स में हमें पता चलेगा मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे बता देता हूँ मैकबेथ स्कॉटलैंड का थेन है जो की किंग डन के अंडर में है और वो राइट नाउ मैकडोन वर्ल्ड जो की फाइट कर रहा है डंकन की ओर से और ब्रेवली फाइट कर रहा है और उसके जीते जाने के बाद ही ये विचेज उससे मिलने की कोशिश करेंगी एंड मैकबेथ इज द हीरो ऑफ द प्ले तो फर्स्ट विच कहती है आई कम ग्रेमैल्किन ग्रेमैल्किन मैं आ रही हूं फर्स्ट विच कहती है आई कम ग्रेमैल्किन ग्रेमैल्किन मैं आ रही हूं सेकेंड विच कहती है पेडॉक कॉल्स पेडॉक टोड काइंड ऑफ फ्रॉग होता है जो माना जाता है पॉइजनस होता है और यह बैड ओमेन का सिग्नल होता है बुरे बुरे संकेतों का है और जितने भी बुरे संकेत हैं वो विचेस के लिए अच्छे संकेत माने जाते हैं इसीलिए वो कह रही है पेडॉक कॉल्स पेडॉक बुला रहा है यानी ग्रेमिन का सिग्नल देने वाला पैडॉक हमें कॉल कर रहा है थर्ड विच कहती है एनन जल्दी करो जल्दी चलो तो सारी यानी तीनों विचेस का स्टेटमेंट आता है फेयर इज फाउल अच्छा बुरा है एंड बुरा अच्छा है यहाँ पर फेयर किसका इंसानियत का ह्यूमैनिटी का यानी ह्यूमन का अच्छा इज अ फाउल फॉर द विचेस या डार्कनेस के लिए फाउल है एंड डार्कनेस का फाउल ह्यूमन के लिए फेयर है तो जो इंसान का अच्छा है वो हमारा बुरा है और जो हमारा बुरा है वो इंसान के लिए अच्छा है हाउवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर आओ हम तीनों की तीनों बहनें फॉग और फिल्थी एयर डस्ट एयर से होकर के उड़े सो दे अपियर आर प्रजेंस या हमारी प्रेजेंस को कहीं कोई नोटिस ना कर पाए तो इस तरीके से ये फर्स्ट सीन कंप्लीट होता है जिसमें तीनों विशेष एक साथ मिलकर के मैकबेथ से मिलने की प्लानिंग करती हैं और आगे मैकबेथ को इंस्टिगेट करने या उसको इंड्यूस करने के लिए प्लान बना रही है तो मिलते हैं जल्दी ही सेकेंड सीन में तब तक के लिए थैंक यू